नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मैथ पेडागोजी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर आप मैथ पेडागोजी के 15 के 15 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखने के बाद एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो चलिए मैथ पेडागोजी शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले मैथमेटिक्स का अर्थ एवं उसकी प्रकृति जान लेते हैं। मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के मैंथो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणनाएं सीखना अथवा गणनाएं करना। अर्थात गणित शब्द का अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने गणित की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है। गैलीलियो ने गणित की परिभाषा इस प्रकार दिया है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। बेल के अनुसार गणित विज्ञान का नौकर माना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स का परिभाषा है जिसे मार्शल एच स्टोन ने दिया है। इनके अनुसार गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो किसी अमूर्त तत्वों से बनी होती है, जिसे मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं गणित की प्रकृति के बारे में। गणित विज्ञान के रूप में, गणित को विज्ञान के रूप में स्वीकारा गया है, जिसे हम निम्न तथ्यों से समझ सकते हैं। पहला तथ्य है गणितीय ज्ञान क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित है। यह विज्ञान की तरह ही क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित है। गणित सामान्यकरण का प्रमुख साधन है। गणित अनुभव लगाने व भविष्यवाणी करने में सहायक सिद्ध होती है। गणित भविष्य के समस्याओं के समाधान में बहुत ही सहायक सिद्ध है। CSPS के अनुसार गणित एक विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित को विज्ञान के रूप में स्वीकारने के साथ साथ गणित को एक कला के रूप में भी स्वीकारा गया है। गणित वैज्ञानिक स्वरूप से वर्णित होने के उपरांत वैज्ञानिकों का विचार है कि गणित कला या मानव शास्त्रों की एक शाखा है। जिस प्रकार से विज्ञान ज्ञान एवं सिद्धांतों को व्यक्त करता है, ठीक उसी तरह से कला उस विज्ञान को प्राप्त करने का ढंग बताती है। H.F. हेयर के अनुसार गणित एक कला है क्योंकि वह शुद्ध विचारों के स्वरूप एवं ढांचों से सृजित करता है जो मानव मस्तिष्क को शानदार उपलब्धि प्रस्तुत करता है या प्रदान करता है। आइए अब बात करते हैं कि गणित को किन शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जाता है। गणित शिक्षण की विधियाँ, पहला विधि है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक सफल व्यवहारिक एवं उपयोगी सूत्र है। प्रदर्शन विधि को गुण एवं दोषों से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। परीक्षाओं में इन्हीं गुणों से क्वेश्चन बनते हैं। परीक्षाओं में प्रदर्शन विधि के 3 गुण को दे देता है और 1 दोष को दे देता है और उन्हीं में से तुलना करने को कहता है। तो चलिए सबसे पहले प्रदर्शन विधि के गुण के बारे में बात करते हैं। प्रदर्शन विधि सामान्य स्तर एवं निम्न स्तर के छात्रों के लिए हितकर है। प्रदर्शन विधि में व्याख्या विधि की अपेक्षा समय तो अधिक लगता है, लेकिन प्रयोगशाला विधि और योजना विधि की तुलना में बहुत कम समय लगता है। प्रदर्शन विधि में शिक्षक द्वारा किए गए प्रयोग को देख लेने व समझ लेने के पश्चात बालक प्रयोगशाला में उसी प्रयोग को आत्मविश्वास के साथ करते हैं। यह विधि वैज्ञानिक विधि कहलाती है। आइए अब बात करते हैं प्रदर्शन विधि के दोष के बारे में। छात्रों को व्यक्तिगत प्रयोग करने में कार्य कुशलता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है, यानी कि जो प्रदर्शन विधि होता है उसमें शिक्षक की भूमिका ज्यादा होती है, लेकिन जो छात्र होते हैं उनकी भूमिका कम हो जाती है। प्रदर्शन विधि में सफलता का जो उत्तरदायित्व होता है वह शिक्षक पर निर्भर करता है, जिसके कारण बालकों में उत्तरदायित्व का भावना का विकास नहीं होता है। प्रदर्शन विधि में शिक्षक पूरी कक्षा को केवल सामान्य स्तर का ज्ञान नहीं दे पाता है, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह ऐसा अनुभव करते हैं कि मानो उन्हें कोई विशेष जानकारी की चर्चा नहीं की जा रही है। प्रदर्शन विधि में बालक अपनी अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी गणित की शिक्षण विधि है आगमन विधि। यह विधि प्रेरणा पर आधारित होती है। इस विधि में विशेष तत्वों या उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियमों को निकाला जाता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इस विधि में विशेष से सामान्य की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि के गुण। आगमन विधि द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान बालक के दिमाग में सदैव के लिए बैठ जाता है। आगमन विधि बालकों को स्वयं अभ्यास करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे उनके दिमाग में वह समस्या का हल हमेशा के लिए बैठ जाता है। आगमन विधि से अगर कोई बालक किसी समस्या को हल करता है तो छात्रों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। आगमन विधि के दोष। आगमन विधि से गणित का शिक्षण दिया जाए तो पाठ्यक्रम समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह प्रणाली अत्यंत
धीमी प्रणाली है। यह विधि सभी बालकों के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि प्रत्येक बालकों की योग्यता एक जैसी नहीं होती है जो कि वे गणित के सामान्य नियम का निष्कर्षण कर सके। इस विधि का प्रयोग करने पर अध्यापक को बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है और सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें अधिक से अधिक समय लगता है। तीसरी गणित की शिक्षण विधि है निगमन विधि। निगमन विधि का प्रयोग करते समय सामान्य से विशिष्ट सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ाया जाता है। इस विधि में छात्रों के सामने ज्ञात सूत्रों, नियमों, संबंधों, निष्कर्षों आदि के रूप में प्रस्तुत करते हैं और छात्र उनको याद कर लेता है। निगमन विधि आगमन विधि की पूरक है। इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से बीजगणित, त्रिकोणमिति और रेखा गणित में किया जाता है क्योंकि इन विषयों में अनेक प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण बीजगणित, त्रिकोणमिति और रेखा गणित को हल करने के लिए निगमन विधि उपयुक्त मानी जाती है। निगमन विधि की हवा गुण। इस विधि में विद्यार्थी को प्रत्येक सूत्र विधि या निष्कर्ष को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस विधि से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना संभव होता है। निगमन विधि में सूत्र या नियम पहले से पता होने के कारण समस्याओं को हल करने में बहुत ही सुविधा होती है। निगमन विधि में जो हम सूत्र ज्ञात कर लेते हैं उसका उपयोग बहुत ही व्यापक होता है। निगमन विधि के दोष। इस विधि से अर्जित ज्ञान अस्थायी नहीं होता है क्योंकि सीखे हुए सूत्रों या नियमों को अधिक समय तक अपने दिमाग में स्थिर नहीं रख पाता है। निगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होता है क्योंकि छोटे बालकों को सूत्रों, सूक्ष्म विचारों एवं क्रियाओं को समझना उतना आसान नहीं होता है। निगमन विधि रटने पर अधिक बल देती है। चौथी गणित की शिक्षण विधि है अनुसंधान विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं, जिसको आर्मस्ट्रांग ने दिया था। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले विज्ञान विषय को पढ़ने के लिए किया जाता था किंतु इसकी उपयोगिता के कारण अब इसे गणित में भी प्रयोग किया जाने लगा है। इस विधि का सबसे विशेष गुण यह है कि यह विधि बालक केंद्रित होती है। इस विधि में अध्यापक छात्रों के सामने समस्याएं प्रस्तुत करते हैं और छात्र स्वयं अपने प्रयासों द्वारा उसका हल ज्ञात करते हैं। अनुसंधान विधि के गुण। बालक में सत्य को जानने की उत्सुकता बनी रहती है तथा वे तथ्यों को ध्यान पूर्वक समझते हैं और उनके अंदर समस्याओं को हल करने की आदत हो जाती है। अनुसंधान विधि में विद्यार्थियों में सही प्रकार से आलोचना करने की क्षमता का विकास होता है। अनुसंधान विधि में बालक स्वयं नया ज्ञान का खोज करता है और उसका यह ज्ञान अस्थायी एवं व्यवहारिक हो जाता है। अनुसंधान विधि के दोष। इस विधि में बालक खोज बहुत कम कर पाता है लेकिन समय की बर्बादी ज्यादा करता है। अनुसंधान विधि का प्रयोग करके वर्तमान पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए उसको पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनुसंधान विधि में बहुत ही समय लगता है। पांचवी गणित की शिक्षण विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि विज्ञान की सभी शाखाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है, इसलिए इसका प्रयोग अब गणित में भी प्रयोग किया जाने लगा है क्योंकि उपलब्ध यंत्रों, उपकरणों और अन्य सामग्रियों की सहायता से गणित की बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझा लिया जाता है। इस विधि में लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत काम में लाया जाता है। प्रयोगशाला विधि के गुण। प्रयोगशाला विधि द्वारा विद्यार्थियों में गणित के व्यवहारिक पक्ष के प्रति आवश्यक जागरूकता का विकास होता है। प्रयोगशाला विधि में बालकों को प्रयोगशाला से बाहर अन्य स्थानों पर जाने का अवसर प्रदान होता है। प्रयोगशाला विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। प्रयोगशाला विधि के दोष। प्रयोगों के आधार पर गणित के सिद्धांतों को सामान्य छात्रों द्वारा आसानी से हल करना कठिन होता है। प्रयोगशाला विधि बहुत ही धीमी विधि है। प्रयोगशाला विधि को प्रयोग करके निर्धारित पाठ्यक्रम को समय से नहीं खत्म किया जा सकता है। प्रयोगशाला विधि में उपकरण आदि पर अधिक धन व्यय करना पड़ता है जो कि वर्तमान आर्थिक परिस्थिति के कारण हमारे विद्यालय में संभव नहीं है। प्रयोगशाला विधि में उपकरण आदि पर अधिक से अधिक धन व्यय करना पड़ता है जो कि वर्तमान आर्थिक परिस्थिति के कारण हमारे विद्यालयों के लिए संभव नहीं है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए एकदम यूजफुल नहीं है क्योंकि इस स्तर के बालक उपकरणों से खेलना शुरू कर देते हैं। छठवीं गणित की शिक्षण विधि है समस्या निवारण विधि। गणित सिखाने की यह एक प्रचलित विधि है। इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों के सामने समस्याओं को प्रस्तुत करता है और बालक सीखे हुए नियमों, सिद्धांतों की सहायता से
समस्या को हल करता है। एक कुशल अध्यापक स्वयं तथ्यों का संकलन करता है और विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर समस्याओं का निर्माण करता है और उन्हें छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। समस्या निवारण विधि में समस्या प्रस्तुत करने के नियम। समस्या सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए जिससे बालक समस्या को समझने में कठिनाई महसूस न करें। समस्या की भाषा सरल होनी चाहिए। समस्या में क्या ज्ञात करना है यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। समस्या को स्पष्ट करने के लिए यदि किसी संकेत चित्र या सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है तो उस समस्या को भी प्रस्तुत करना चाहिए। समस्या निवारण विधि के गुण। इस विधि में बालक समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेते हैं। बालकों के अंदर सामाजिकता का विकास होता है। इस विधि के प्रयोग से बालक के अंदर भी किसी प्रकार की समस्या को निर्माण करने की क्षमता का विकास होता है। समस्या निवारण विधि के दोष। इस विधि का प्रयोग करके जीवन पर आधारित प्रत्येक समस्याओं का निर्माण प्रत्येक अध्यापक के लिए संभव नहीं है, इसलिए यह उचित नहीं है। बीज गणित और ज्यामिति में अनेक उप विषय होते हैं जिसमें जीवन से संबंधित समस्याओं का निर्माण करना संभव नहीं है। गणित शिक्षण की सातवीं एवं बेहद इम्पोर्टेंट विधि है संश्लेषण विधि, जिसे सिंथेसिस मेथड भी कहते हैं। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। जब कभी हमको रेखा गणित का कोई साक्ष्य सिद्ध करना होता है तो हम परिकल्पना के आधार पर किसी साक्ष्य पर पहुंचते हैं, फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। संश्लेषण विधि में तथ्य की सच्चाई की जांच होती है लेकिन पाठ के वास्तविक ढांचे का ज्ञान नहीं हो पाता है। इस प्रकार संश्लेषण विधि साक्ष्य को सिद्ध करती है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाती है। संश्लेषण विधि के गुण। संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होती है, इसलिए यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। विश्लेषण विधि के पश्चात संश्लेषण विधि का प्रयोग करना आवश्यक होता है। यह विधि विश्लेषण विधि से सरल है। संश्लेषण विधि के दोष। इस विधि से प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों द्वारा ढूंढा हुआ नहीं होता है बल्कि शिक्षक समस्याओं को ढूंढते हैं, इसलिए इसके द्वारा प्राप्त किया ज्ञान अस्थायी नहीं होता है। संश्लेषण विधि किसी समस्या को सिद्ध तो कर लेती है लेकिन उसको समझा नहीं पाती है। संश्लेषण विधि द्वारा छात्रों में तर्क शक्ति तथा सोचने की शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। गणित की आठवीं शिक्षण विधि है विश्लेषण विधि, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह विधि विशेषतः ज्यामिति में अधिक उपयोग की जाती है। इस विधि की सहायता से किसी भी समस्या के जटिल पक्ष का विश्लेषण कर यह ज्ञात किया जाता है कि किस प्रकार हल प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलते हैं और निष्कर्ष से लिए हुए तथ्यों की ओर अग्रसर होते हैं। गणित शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत। अध्यापक एवं छात्र के आधार में निकट संबंध होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण का प्रत्येक पहलू बालकों की आयु रुचि एवं योग्यता के अनुसार ही होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देना अति आवश्यक है। गणित शिक्षण में पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। कक्षा में गणित की समस्याओं को हल करते समय छात्रों का ध्यान उस ओर ज्यादा खींचना चाहिए जिस ओर बालक किसी समस्या को हल करने में ज्यादा से ज्यादा गलतियां करता है। कमजोर छात्रों के लिए गणित के मॉडल और चार्ट आदि का प्रयोग करके अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। छात्रों को कक्षा में और कक्षा के बाद आवश्यक व्यक्तिगत परामर्श देना चाहिए। कमजोर छात्रों को कक्षा में आगे बैठाना चाहिए। कक्षा में उदाहरणों का चयन वस्तु के विस्तार कठिनाइयों के स्तर को ध्यान में रखकर करना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए गणित शिक्षण। प्रतिभाशाली बालकों को आधुनिक गणित की विभिन्न शाखाओं में समन्वय स्थापित करके पढ़ाना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाते समय निगमन विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि और आदि प्रोजेक्ट विधियों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के मूल्यांकन के लिए समय समय पर टेस्ट का आयोजन होना चाहिए। गणित के क्षेत्र में शिक्षण की समस्याएं। प्राथमिक गणित के क्षेत्र में शिक्षण की समस्याएं। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणित की नींव बहुत ही कमजोर होती है जिसके कारण शिक्षण में समस्या उत्पन्न होती है। अध्यापकों के विषय सामग्री के बारे में सही ज्ञान न होने के कारण भी शिक्षण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शिक्षक का व्यवहार भी एक समस्या है। अगर शिक्षक अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है तो भी शिक्षण में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को दो या तीन बार देखने के बाद अगर नोट्स बना लेते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप गणित की पैडागोजी के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। हिंदी की पैडागोजी भी हम आपके लिए जल्द ही ला रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए जिसके कारण
जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगी।